फिलहाल मंत्रिमंडल का गठन है वो हो चुका है, तमाम मंत्री हैं और तमाम स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे वो यहाँ से फिलहाल निकल चुके हैं। किरोड़ीलाल के समर्थकों की अगर हम बात कर लें, किरोड़ीलाल मीणा है अभी यहाँ से निकले हैं, काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आज डॉक्टर साहब को कुछ मिलने का वो है, कैबिनेट मिनिस्टर बनाए, अब हम चाहते हैं होम मिनिस्टर बनाए। उनके संघर्ष में जो किया उन्होंने 5 साल तक पिछले विपक्ष की भूमिका निभाई उसको पूरी तरीके से बुनाए और उनको देना चाहिए होम मिनिस्टर। आपको लगता है क्या पद मिलेगा? 5 साल से विपक्ष की भूमिका निभाने वाला, गरीबों का मसीहा, दीन हीनों का रखवाला, जो सर्द हवाओं में 10-10 दिन तक इस सर्द हवाओं में दिसंबर के महीने में, अप्रैल के महीने में मच्छर खा गए, ऐसे धरती पुत्र को होम मिनिस्टर बनने का पद देना चाहिए ताकि ये दीनहीनों की रक्षा कर सके, बहन बेटियों की इज्जत बचा सके। इससे कम पद देना नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कौन सा पद देना चाहिए? गृह मंत्री से कम हमें कोई भी पद मंजूर नहीं है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ही है जो गृह मंत्री के पद से इतने संभाल सकते हैं और राजस्थान में कानून व्यवस्था को ढंग से सुचारू रूप से संभाल सकते हैं। अगर गृह मंत्री का पद के अलावा दूसरा मंत्री का पद कोई दिया जाता है, स्वीकार नहीं, स्वीकार नहीं, हमको स्वीकार नहीं, बिल्कुल स्वीकार नहीं। बिना पद के रहेंगे, बिना पद के ही रहेंगे। मुख्यमंत्री बनने वाला था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, होम मिनिस्टर तक हम संतुष्ट है, इससे नीचे पद हमको स्वीकार नहीं है। वैसे सेवा करेंगे, हम सेवा करते आए 5 साल तक और 5 साल सेवा कर लेंगे, कोई बात नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं चाहिए। होम मिनिस्ट्री गरीबों की रक्षा करनी है, पिछले दलित कुछले स्टूडेंटों के पेपर लीक हो रहे, बहुत सारे मुद्दे उनको होम मिनिस्ट्री खंडन माता है और वो प्रभाव सारी तरीके से आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों के साथ हो रहा है, बहुत मुद्दे उनको होम मिनिस्टर बनने के बाद ही सोल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा कोई आपने शपथ लिया, जवान हूँ 72 साल का जी, सबसे पहले इसलिए नंबर आया, ठीक है, और प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि पेपर लीक नहीं हो, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो रखा जाए, कानून की व्यवस्था बेहतर की जाए, तुष्टिकरण नहीं हो, सब बहुत ढेर सारे मुद्दे थे जिन पर 5 साल तक संघर्ष किया, उसके कारण जनता सत्ता में लाई, जनता की सेवा करनी है। अगर पूरी राजस्थान की बात करें, सबसे बड़े नेता के रूप में आप आए हो, कैसा महसूस कर रहे हैं, बताएं आज? हम तो सेवक ही पार्टी के, कुछ बने तो भी सेवा करेंगे, नहीं बने तो भी सेवा करेंगे, पार्टी ने मौका दिया, जो जिम्मेदारी देंगे काम करेंगे बेहतर। बाबा लगता है बाबा कि एमपी और गुजरात दोनों मिक्स मिला करके राजस्थान का मंत्रिमंडल का गठन हुआ है? मैं तो ज्यादा नहीं समझता, आप उसका विश्लेषण करो। लेकिन बाबा जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आप सड़कों पर रहे, अब आप मंत्री सड़कों पर रहेंगे? जी बिल्कुल, अब भी सड़कों पर रहेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, सड़कों से मतलब जनता के बीच में। फिलहाल किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों से हमने बात करी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गृह मंत्री से कम पद उन्हें स्वीकार नहीं है। आखिर कौन सा पद किरोड़ीलाल मीणा को दिया जाता है, ये काफ़ी देखने वाली बात होगी। इससे पहले किरोड़ीलाल मीणा की बाइट है वो हमने आपको सुनवाई थी, वीडियो हमने आपको दिखाया था। खैर, जो बात उनके समर्थक कह रहे हैं, क्या वो मंत्रिमंडल में उनकी शपथ लेने के बाद क्या उनको वो पद दे होगा, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण शर्मा के साथ प्रणव पारिक, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।